शाहरुख खान की किंग फिल्म के बजट को लेकर अभिषेक बच्चन ने बड़ा बयान दिया है, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। किंग फिल्म को लेकर अभिषेक बताते हैं कि ये बॉलीवुड में शाहरुख की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होगी। फिल्म का बजट जवान और पठान से दो गुना ज्यादा होने वाला है। वही दोस्तों, किंग फिल्म को सिद्धार्थ आनंद और सुजोय घोष डायरेक्ट कर रहे हैं। शाहरुख खान इस फिल्म के लिए काफी सीरियस नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, किंग फिल्म में 4 से 5 विलेन होंगे, जिनका बड़े लेवल पर गैंगस्टर रोल होंगे। अभिषेक बच्चन और अर्जुन दास फिलहाल दो विलेन किंग खान के साथ काम करने की बात सामने आई है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म हॉलीवुड लेवल पर बनेगी, क्योंकि अर्जुन दास ने रोलेक्स सीन से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। वही शाहरुख खान के साथ अगर वो काम कर रहे हैं तो ये फिल्म साउथ में भी सुपरहिट होगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो शाहरुख खान ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है और वो अब किंग फिल्म की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। वही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख खान अभी ऋतिक रोशन के पिता से भी मीटिंग कर चुके हैं। इस साल शाहरुख अपनी फिल्मों को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर एक्शन फिल्में ही होगी। वही दोस्तों, शाहरुख की कंपनी की तरफ से बताया गया है वो रोमांटिक फिल्में नहीं करेंगे, अब सिर्फ शाहरुख एक्शन फिल्मों को साइन करने वाले हैं। खबरों की माने तो 3 बड़ी फिल्में शाहरुख करेंगे, जिनको वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा 3 बड़ी फिल्म शाहरुख खान के हाथ लगी है, जिनका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों, शाहरुख खान के लिए पिछला साल 2023 ब्लॉकबस्टर रहा। उन्होंने अपनी सभी फिल्मों से करोड़ का बिजनेस किया, जहां किंग खान ने साल की शुरुआत सिद्धार्थ आनंद की पठान और उसके बाद इटली की जवान की रिलीज के साथ की, और साल का अंत राजकुमार हिरानी की डंकी के साथ किया, और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा।